हथेलियों का मुख पहाड़ की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंध चक्र अभ्यास, धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए, हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखे और दोनों हाथों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाइए, श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर, छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सेटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, गर्दन कमर सिर सीधा रखें, इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन पद्मासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों गले को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए, श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीघ्र दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों पैरों के बीच में एक फुट के अंतर रखो, गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखे और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीघ्र दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़िया बाहर की तरफ है, घुटने मिले हुए होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए, दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन यहीं से हम अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए, घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर गर्दन छाती के ऊपर की भाग को नीचे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले, दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरका के लिए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए, नितंब एड़ियों पर टिका के रखें